भाई लोग कैसे हो सब। ये वीकली एनिमे अपडेट्स का एपिसोड 3 है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं रोज संडे को इस चैनल पे एनिमे अपडेट्स बताता हूँ विद माय फ्रेंड ब्लेडीफाई। आप चाहो तो उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो ज्यादा बकवास न करके सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अपडेट निकल के आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। अब नेटफ्लिक्स इंडिया ओशिनोको एनिमे के एपिसोड स्ट्रीम करने लग चुकी है। मैंने इसका एपिसोड 1 देखा और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगली अपडेट ईटीवी बाल भारत की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डिटेक्टिव कॉनन के बारे में हमने बताया था कि ईटीवी बाल भारत वाले लाने वाले हैं हिंदी डब में, तो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक कमेंट आया है पोस्ट जिसमें उन लोगों ने लिखा है 27 अप्रैल को और सरप्राइज, तो शायद हमें लोगों को देखने को मिलने वाला है प्रोमो, क्योंकि डिटेक्टिव कॉनन बहुत दिनों बाद हिंदी डब में आने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप लोग को तो कॉमेंट बताओ। सो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है रैंकिंग ऑफ किंग्स एनिमे की तरफ से। इसका एपिसोड 1 अब अवेलेबल हो चुका है क्रंची रोल पर। न्यूज डिज्नी इंडिया के बारे में आ रही है। जो सीईओ थे डिज्नी इंडिया के कैमिन वेद, उन्होंने ऑफिशियली रिजाइन कर दिया है एंड नाउ वो वायाकॉम 18 में आने वाले हैं, मतलब जिसमें अभिषेक दत्ता भी काम करने हैं। उन्होंने काफी 2-3 एनिमे के प्रोमो लाने के लिए कहा था इस साल 2023 में। तो कैमिन वेद भी हॉटस्टार पे भी चलाते थे और बहुत चीजें करते थे डिज्नी की तरफ से। तो टीवी पे तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं आया, बट हॉटस्टार पे बहुत सारे एनिमे आ रहे थे। तो क्या होता है वो तो आप आगे चल के देखेंगे, कुछ ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। अभिषेक दत्ता भी काफी अच्छे एक एनिमे क्रिएटर कम्युनिटी के लिए एनिमे लाने वाले हैं, तो क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। सो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है ओशिनोको के क्रिएटर कागुया सामा की तरफ से, जो कि एक न्यू मांगा लाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। सीबीआरडी की वन पीस लाइव एक्शन हिंदी डब होने वाले, उसके ऑडिशन चालू हो चुके हैं। वन पीस लाइव एक्शन की जब स्क्रीनिंग हुई थी तो उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, पर एज अ वन पीस फैन तो बहुत अच्छा लगेगा कि वन पीस का लाइव एक्शन मूवी आ रहा है। तो मेरे को तो काफी एक्साइटमेंट है और हिंदी डब में आएगी तो हम लोग के लिए काफी बड़ा मूवमेंट भी होगा। हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है अकीरा तोरियाना, जो कि गोकू के मांगा आर्टिस्ट है। वो गोकू के मांगा इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनका फेवरेट पेन गुम हो चुका है। ये सब जस्ट उन्होंने मजाक के लिए कहा है, लेकिन अगर वो मांगा लाते हैं तो फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। कोई एनिमे अपडेट तो नहीं है, पर गोजो जो है वो ट्रेंड कर रहा है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ट्विटर एट नंबर 1। हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है ओशिनोको एनिमे के थीम सॉन्ग की तरफ से। इस सॉन्ग ने 5 दिन के अंदर 14 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये कोई एनिमे अपडेट तो नहीं है, लेकिन तब भी सुन लो, अगर आप चाहो तो आप पीवीआर जाके शुजुमे नो तोजिमारी हिंदी में देख सकते हो। और ड्रैगन बॉल जेड कूलर्स रिवेंज आज दोपहर 12:15 को आई थी। आप में से कितने लोगों ने देखा मूवी को मेरे को कमेंट करके बताओ। और आज के वीकली अपडेट्स के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।